इस अवसर पर सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि युवाओं को कर्तव्य और जिम्मेवारियों के साथ संसदीय प्रणाली की जानकारी देने की ये एक अच्छी पहल है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्षेत्रीय प्रभारी दीप्ति घोष ने बताया कि व्यवहारिक स्तर पर प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाता है। नई पीढ़ी के लोग और जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर भी पूरी जानकारी होना चाहिए कि कैसे सरकार बनती है, कैसे विधानसभा, कैसे सांसद कैसे चलता है, उसमें कैसे लोग चुन करके जाते हैं। इन सब बातों की जानकारी रहेगा कि नई पीढ़ी के लोगों पर, तो आगे चल करके यही राष्ट्र के भविष्य बनेंगे। तो राष्ट्र के भविष्य बनेंगे फिर इन्हें ही बहुत कुछ संभालना है, इसलिए सबों को इस बातों की जानकारी होनी चाहिए। और बेसिक उद्देश्य है देश के बच्चों को भविष्य के नागरिक बनाना। तो जो किस तरह से बिल पास होते हैं, किस तरह से कानून बनते हैं, नए मेंबर्स कैसे आते हैं, कैसे शपथ लेते हैं, कौन कौन से विशेष अधिकार हमारे देश के विधायकों को मिलता है, मिनिस्ट्री में जो एमपीज होते हैं, एमएलएस होते हैं, उनके पास क्या क्या विशेष अधिकार है, इन सभी बातों में वो पारंगत होते हैं।